के ऊपर भरपूर जो है वो तवजो तो देनी चाहिए और इस आर्टिकल के अंदर हमें यही देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर uh, पंजाब के अंदर सेवन पॉइंट सिक्स मिलियन है सिंध के अंदर थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन बच्चे हैं केपी के अंदर थ्री पॉइंट वन थ्री है ठीक है तो इस तरीके से आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा कि, कि कितने परसेंटेज है कितने मिलियन जो है हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं और आउट ऑफ स्कूल होने की जो है वो वजह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के फ्यूचर में जो है बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो हायल हैं ठीक है तो पाकिस्तान का फ्यूचर उस वक्त तक नहीं संवर सकता जब तक इन बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाएगा ठीक है और इनको एजुकेट करने के लिए इकोनॉमी को भी बेहतर करना होगा तो ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं और हम इसको स्टार्ट करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो है डेस्टिट्यूशन डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है ठीक ठीक है 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 एक्सट्रीम पॉवर्टी का होना बहुत हाई लेवल पर राइफ राइफ आ जाता है, से मुराद स्प्रेड यानी कि एक बड़ा फैलाव जो बड़े पैमाने पर गालिब आया वह नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है राइफ का वर्ड प्रोविंशियल आ जाता है प्रोविंशियल से मुराद सपाई सता होती है सब्सिडियरी आ जाते हैं सब्सिडियरी एक कंपनी है जो कंट्रोल कर रही है होल्ड करती है आप कह सकते हैं पेरेंट कंपनी जो होती है ठीक है उसके बाद उमा आ जाती है उमा जो है ये

ट्रांसफर होती है स्टैंडर्डाइजेशन uh, आता है, जो है, ये है किसी uh, चीज को जो है जहां पर जो है वो फंड रिसीव ना हो रहे हो रिसोर्स मौजूद ना हो और जहां पर बच्चे तालीम ना हासिल कर रहे हो प्रॉपर तरीके से ठीक है उसके बाद वेंडल्स आ रहा है से मुराद होती है ऐसे लोग जो कि डेलीबरेटली जानते पूछते तबाह की तरफ लेकर जा रहे चीजों को या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हो पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टीज को उसके बाद एक्सट्रीमिज्मी कोहश को कहते हैं है, है, यहाँ है पे ठीक है जी तो ये हो गई हमारे पास कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमनेस्टैंड कर ली है अब हम इसका मेनस्टैंड करेंगे और आपको इसका लिंक मिल जाएगा आप वहां से थॉरली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है जी तो आपकी एजुकेशन क्राइसिस जो है उसी हवाले से इसको लिखा गया है और इसका किस तरह से लिंक बनता है हमारी इकोनॉमी के साथ वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी एजुकेशन तो पाकिस्तान के लिए अंदर अंदर के जो एजुकेशन क्राइसिस है वो कौन कौन से हैं अगर हम इसके एग्जाम्पल या फेक्ट के तौर पर देखें तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं जो आउट ऑफ चिल्ड्रेन हैं पाकिस्तान के अंदर वो 22 मिलियन से लेकर 26 मिलियन तक लास्ट फाइव इयर्स के अंदर उनमें इजाफा हो चुका है ठीक है पहले वो 22 मिलियन थे और अब वो 26 मिलियन हो चुके हैं जो कि स्कूलों से बाहर है ठीक है ये एक प्रॉपर फैक्ट है ये फिगर है इसके अंदर ठीक है ये आप इसको हाईलाइट कर लें उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है पॉइंट जो है वो ब्रोकन प्रॉमिसेज बाई पोलिटिकल पार्टीज ठीक है अब ये है कि वो पोलिटिकल पार्टीज अभी जो होने वाले होते हैं इलेक्शन तो उस वक्त तो अपने एजेंडाज के अंदर ये शामिल करती हैं कि वो एजुकेट करेंगे इंश्योर करवाएंगे हेल्थ को भी एजुकेशन को भी ठीक है एक छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक आ, लेकिन यहाँ पर उनके प्रामिस जो होते हैं आप कह सकते हैं वादे जो होते हैं या प्लजस जो होते हैं उनके वो सिर्फ और सिर्फ सतही होते हैं ठीक है जब एक मतलब वो व्यापार में आ जाते हैं तो उसके बाद ये फुलफिल नहीं करते हैं अपने प्रामिसज को फेल हो जाते हैं एजुकेशन पब्लिक लेवल पर प्राइवेट लेवल पर प्रोवाइड नहीं करते हैं ठीक है और फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन को भी उस तरीके से उसकी भी प्रोविजन नहीं होती

टाइज किया जाता है एजुकेशन को तालीम को ठीक है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अहम बात यही है कि तरक् पजीर ममालिकसूस तौर पर अभी हम पाकिस्तान की बात करें यहाँ पर तो मैंडेटरी है कि पब्लिक स्कूल्स के अंदर और जितने भी है बात कर सकते हैं तालीमी इदारे ठीक है तो कंपलसरी कर दिया जाए इनफोर्स करवाया जाए एजुकेशन को ठीक है अटेंडेंस मार्क की जाए कि प्रॉपर तरीके से आउट ऑफ स्कूल जितने भी बच्चे हैं इन्श्योर करवाया जाए कि वो उनकी तादाद में कमी वाक हो और आप प्रॉपर तरीके से एजुकेट करें तमाम के तमाम बच्चों को जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं कि सिक्सटी परसेंट जो बच्चे हैं वो देहात से उनका ताल्लुक है ठीक है वो देहात से ऐसे बच्चे हैं सिक्सटी परसेंट जो कि आउट ऑफ स्कूल होते हैं ठीक है और इन्वॉल्व होते हैं फिर डिफरेंट लेबर्स के अंदर ठीक है क्योंकि उनके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन डाल दिया जाता है अपनी घरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए और इसकी वजह क्या है इसकी वजह पॉवर्टी है ओवरबर्थ है इकोनॉमिक एक, लॉसेस हैं ठीक है इकॉनमी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से वो उनकी अपनी बेसिक ज़रूरिया को पूरा करना उनके लिए बामुश्किल ही वो पूरा करते हैं कर पाते हैं ठीक है तो इसी वजह से जो है उनके बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स होते हैं ठीक है तो लैक ऑफ अटेंशन है इसकी तरफ तो कमिटमेंट होनी चाहिए प्रॉपर के एजुकेट करेंगे बच्चों को ठीक है तो यहाँ पर प्रियोरिटी की कमी है राइटर कह रहे हैं ठीक है उसके बाद बताते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज की बात डि जाए के, के, के तो इनमें हर लेवल पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से जो है हमें एजुकेशन वो नजर आ रही है ठीक है और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा तादाद में जो बच्चे हैं वो एजुकेशन से महरूम हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर हमें रीजनल डिस्पैरिटीज भी देखने को मिलती हैं तो वो कहते हैं कि तमाम सूबों के अंदर बराबर तरीके से जो है वो आप आप एजुकेट करें बच्चों को फैसिलिटीज दें रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की ठीक है उसके बाद ब्यूरोटिक इनफिशियंसी एंड करप्शन की बात की जा रही है कि उनकी इन एफिशियंसी होती है करप्शन होती है कुछ ठीक है तो ये भी अफेक्ट करती है हमारे एजुकेशन के ऊपर ठीक है वो क्योंकि उनका फोकस नहीं है एजुकेशन के ऊपर वो अपने पर्सनल प्रिवलेज की तरफ भी बात करते हैं ठीक है ये इसकी बजाय कि वो इंटरेस्ट की बात करें नेशन की तो उसकी बजाय वो उ, उन, उनकी अपने ऊपर ही मरकूज होती है सारी की सारी तोजो ठीक है जो लीड करके लेके जाती है हमें इनफिशियंसिस की तरफ क्योंकि उनकी नााहली है करप्शन है उनकी ठीक है मिस के, हम कहते कह सकते हैं मिस मिस लोकेशन है uh, है 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 की की ठीक ठीक एलोकेशन एलोकेट नहीं किए जाते प्रॉपर तरीके से एजुकेशन uh, में रिसोर्स देने के लिए बच्चों को तो इस वजह से वो महरूम रह जाते हैं उसके बाद अगर हम बात करें हायर एजुकेशन कमीशन की उसके रोल की ठीक है एच की तो उसमें हम देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फंडिंग रिसीव करने के बावजूद जो है वो एच और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको प्रियोरिटाइज तो करना चाहिए कि uh, वो बच्चों को एजुकेशन दें लेकिन वो क्या करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपनी आपको ही दे देते हैं इन्वेस्ट करें रिसर्च या की तरफ। अगर हम रिसर्च करेंगे के काम करेंगे तभी तो पता चल सकेगा कि किस किस इलाके के अंदर जो है वो कितनी कितनी जो बच्चे हैं वो तालीम से महरूम है और उनके उस इलाकों के ऊपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करके बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए फ्री एजुकेशन जो है उनको दी जाए और एलोकेट किए जाए प्रॉपर रिसोर्सेज ठीक है उसके बाद बात करते हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स की जो कि लीड करके लेकर जाते हैं चाइल्ड लेबर की तरफ जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था ये इकोनॉमिक फैक्टर्स इसी तरह से हैं कि कुछ इकोनॉमिक uh, हार्डशिप्स होती हैं ठीक है कुछ uh, बच्चे होते हैं जिनकी जन जिनके ऊपर जो है वो मुआशी बर्डन बहुत ज्यादा होता है जिम्मेदारी होती है तो उनको जिम्मेदारी उठाने के लिए काम पर लगा दिया जाता है ठीक है तो फिर चाइल्ड लेबर इसमें भी इजाफा देखने को हमें मिलता है ठीक है तो फिर जो जो गरीब बच्चे हैं ना तो उनकी एजुकेशन के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए यही जो है वो राइटर इसमें आपको बताएंगे, ठीक है कि की जाएं ताके जो है एक्सेस हासिल हो बच्चों को एजुकेशन की तरफ जो जितने भी हाइड्रिंग फैक्टर्स है ना इनको खत्म किया जाए इनको टैकल किया जाए ठीक है उसके बाद अगर रूरल एजुकेशन चैलेंजेस की बात करें जैसे मैंने आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिक्सटी परसेंट तकरीबन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं जो कि रूरल एरियाज से हैं ठीक है तो वहाँ पर एक तो वजह ये हो जाती है कि लैक ऑफ स्कूल्स होते हैं ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है लैक ऑफ स्कूल्स हैं रिसोर्स कम है इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है टीचिंग स्टाफ नहीं होता है ठीक है ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो इन तमाम प्रॉब्लम से लड़ने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया जाना चाहिए ठीक है उसके बाद वो बात करता है गो स्कूल्स एंड पावरफुल इंडिविजुअल्स की ठीक है न्यूमरस गो स्कूल जो है वो भी एक्जिस्ट करते हैं गो स्कूल्स का यहाँ पे जिक्र इस तरह से किया जा रहा है कि एक तो तो बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं दूसरा वहां पर रिसोर्सेज ही प्रॉपर मौजूद नहीं है ठीक है वो आप कह सकते हैं कि कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स वहां पर मौजूद है जिन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ स्कूल की बिल्डिंग्स को अपने पर्सनल यूज के लिए वो पर्सनल यूज कर लेते हैं उन तमाम बिल्डिंग्स को जबकि वो स्कूल तो बनाए गए बच्चों की तालीम के लिए तो उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है ठीक है तो फिर लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज की तरफ कंट्रीब्यूट करती है ये चीजें तो फिर अब लैक ऑफ एजुकेशन होगी एजुकेशनल फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं होंगी तो बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल करेंगे जब एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो फिर बिल्कुल नहीं बन सकता है ठीक है है। तो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट पे वो बता रहे हैं आपको कलेक्टिव uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड uh, वेलफेयर के लिए इनके लिए इंश्योर करवाएं एजुकेशन uh, को और वेलबींग well के लिए काम करें बच्चों की जिनको निगलेक्ट किया जा रहा है सोसाइटल जितनी भी प्रॉब्लम है टेररिज्म की अगर हम बात करें तो जब ये बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं इंतहा पसंदी जन्म लेती है दहशत गर्दी जन्म लेती है इस तरह के ग्रुप्स के अंदर वो शामिल हो जाते हैं और जिसकी वजह से जुवेनाइल डेलिनक्वेंसी का आपने नाम सुना होगा यानी कि जो छोटी उम्र के ही जो बच्चे जुराइम की तरफ जो है वो मतवजो हो जाते हैं उस तरफ इन्वॉल्वमेंट उनकी देखने को मिलती है तो उस चीज़ को फरोग मिलता है तो ये तमाम चीजें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं अब जी जो ये चीज़ें हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के ऊपर असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न पे प्रॉब्लम आएगी ठीक है उसके हवाले से अगर हम बात करें और इकोनमी को हमें इसलिए बेहतर करना होगा ताकि हम एजुकेशन सेक्टर को बेहतर कर सकें तमाम कोलेक्टिव uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तमाम लोग मिलकर काम करें बच्चों की फलाह बहबूद के लिए तभी हम इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं और नेगेटिव जो जितने भी परस्पेक्टिव हैं इनको हम uh, खत्मा उनका कर सकते हैं ठीक है जी तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ, और क्रिमिनोलॉजी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं जुवेनाइल के हवाले से अगर आपसे सेजेस पूछ लिए जाते हैं कि इसके पीछे की वजुहत क्या है कि ये क्यों होती है जुवेनाइल डेलिक्सी तो फिर आप इसमें ये काजेस भी बयान कर सकते हैं ठीक है जी तो ये था इसका एनालिसिस अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़